हेलो दोस्तों, आप लोग का एक्स मार्टी क्रिएटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा बिहार पॉलिटेक्निक सिविल ब्रांच फोर्थ सेम के सिलेबस के बारे में। मैं इस वीडियो में सिर्फ सब्जेक्ट का ही नहीं बल्कि कौन कौन यूनिट पढ़ना है और कौन कौन यूनिट में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में भी डीपली रूप से आप लोग को हम बताएंगे। देखिए, फोर्थ सेम आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिशन के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इस सेमेस्टर को बहुत अच्छा से कवर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। दोस्तों, पहला सब्जेक्ट आप लोग का है एडवांस सर्वेइंग। एडवांस सर्वेइंग में आप लोग को 6 यूनिट कवर करने के लिए मिलेगा, जिसमें पहला यूनिट है प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे इस यूनिट के अंतर्गत आप लोग पढ़िएगा प्लेन टेबल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। सेकेंड यूनिट है थियोडोलाइट सर्वे। जी हाँ, थियोडोलाइट में के अंतर्गत आप लोग पढ़िएगा थियोडोलाइट क्या होता है, इससे हम सर्वे कैसे करेंगे और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तीसरा यूनिट है टेकोमेट्रिक सर्वे। टेकोमेट्रिक सर्वे में जो है टेकोमेट्रिक क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। चौथा यूनिट है कर्व। जी हाँ, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस हो गया जी। कर्व में आप लोग को पढ़ना है कर्व होता क्या है, कौन कौन कर्व को हम कहाँ यूज करें, कौन से एरिया में कौन सा कर्व यूज होगा, उसके बारे में डीपली रूप से देखिएगा। अगला पांचवा यूनिट है एडवांस सर्वे इक्विपमेंट। इसमें होता है कि हम लोग किसी एरिया पर कंस्ट्रक्शन करेंगे वो कैसा होगा, ताकि मेरा बिल्डिंग कलप्स नहीं करे और वो जो है उसका टिकाऊपन अच्छा रहे। लास्ट यूनिट आप लोग का है एरियल सर्वे एंड रिमोट सेंसिंग। जी हाँ, इसमें जो है हम लोग कोई भी एरिया का फोटोग्राफिक लेकर और उसको ऑफिस में जाकर के ऑल पार्ट्स को जो दिखाते हैं वही जो है मेरा एरियल सर्वे एंड रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत आता है। दूसरा सब्जेक्ट आप लोग का है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। जी हाँ, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में पहला यूनिट है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के पार्ट के बारे में इसमें मिलेगा देखने के लिए। सेकेंड यूनिट है इलास्टिक कॉन्स्टेंट एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसमें आपको कुछ रिलेशन पढ़ने के लिए मिलेगा। तीसरा यूनिट आप लोग को है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इस यूनिट के अंतर्गत टाइप्स ऑफ बीम सब के बारे में देखेंगे बहुत अच्छे तरीका से। चौथा यूनिट आप लोग का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अंतर्गत मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट एरिया का क्या होगा उसके बारे में डीपली रूप से देखिएगा। पाँचवा यूनिट है स्ट्रेस इन बीम्स। जी, इसमें बेंडिंग अबाउट बहुत अच्छे तरीका से पढ़िएगा। और छठा यूनिट है आप लोग का एनालिसिस ऑफ ट्रूथ। इसमें फ्रेम क्या होता है, फ्रेम कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बहुत डीपली रूप से देखिएगा। सातवां यूनिट है स्ट्रेन एनर्जी। जी हाँ, इसमें लोड कितने प्रकार का होता है, कौन सा एरिया में हम कितना लोड अप्लाई करेंगे उसके बारे में डीपली रूप से देखिएगा। तीसरा सब्जेक्ट आप लोग का आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसमें आप लोग को पहला सब्जेक्ट पहला यूनिट पढ़ना है ओवरव्यू जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। यानी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग अबाउट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा सारा कुछ इस यूनिट में। अगला यूनिट आप लोग का है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इस यूनिट के अंतर्गत रिलेशन पढ़ना है, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा यूनिट आप लोग का है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल एंड सीपेज एनालिसिस। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल में आप लोग को इसमें सारा परमेबिलिटी के अबाउट सारा कुछ मिलेगा देखने के लिए। चौथा यूनिट आप लोग का है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। इस यूनिट के अंतर्गत आप लोग पढ़िएगा लेबोरेटरी में जाकर के सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ जो हम फाइंड करेंगे वो किस तरीका से फाइंड करेंगे। यूनिट फाइव है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, वैल्यू ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, यही सब के बारे में मिलेगा देखने के लिए। यूनिट सिक्स है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल एंड स्टेबिलाइजेशन। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पैक्शन, इसका पर्पस क्या है, ये सब मिलेगा। यूनिट सातवां है साइट इन्वेस्टिगेशन एंड सबसॉइल एक्सप्लोरेशन। इसमें एक्सप्लोरेशन क्या होता है या कितने प्रकार का होता है ये सब मिलेगा देखने के लिए। और अगला यूनिट आता है आपको लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन में जो है कुछ मटेरियल्स के बारे में थ्योरी मिलेगा डीपली रूप से देखने के लिए। अगला आप लोग का सब्जेक्ट आता है चौथा सब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में चार यूनिट आप लोग को कवर करना पड़ेगा, जिसमें पहला यूनिट है ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ही थियोरिटिकल पेपर है, बहुत ही इजी पेपर है,
बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में आप लोग को। पहला यूनिट ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इसमें डिफिनेशन पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन का और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। यूनिट टू में आता है रेलवे इंजीनियरिंग, जैसे रेल हम तैयार करते हैं, पटरी जो तैयार करते हैं वो किस तरीका से तैयार करते हैं, मेरा जो परमानेंट जो रेल होता है वो किस तरीका से तैयार करते हैं, उसके बारे में डीपली रूप से देखिएगा। यूनिट थ्री आता है ब्रिज इंजीनियरिंग, इसमें जो है ब्रिज क्या होता है, ब्रिज का कितने प्रकार होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में डीपली रूप से देखेंगे। लास्ट यूनिट आप लोग का आता है टूनेल इंजीनियरिंग, यानी इसमें टूनेल का डेफिनेशन, नेसेसिटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज यही सब मिलेगा। लास्ट सब्जेक्ट आप लोग का आता है हाइड्रोलिक, जिसमें आप लोग को 8 यूनिट कवर करने के लिए मिलेगा। जो पहला यूनिट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड, फ्लूड क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, बस इतना ही इस यूनिट में कवर करना है। यूनिट सेकेंड है आप लोग का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इस यूनिट के अंतर्गत न्यूमेरिकल जैसे टोटल प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, नेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इटीसी सब के बारे में देखिएगा। यूनिट थ्री आता है मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर पाइप से, जी हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, कन्वर्जन यही सब मिलेगा डिटेल रूप से पढ़ने के लिए। चौथा यूनिट आता है फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, जी हाँ दोस्तों, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो, ग्रेविटी फ्लो एंड प्रेशर फ्लो, यही सब के बारे में देखिएगा। पांचवा यूनिट आता है फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप्स, जिसमें फ्रिक्शन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड इंजीनियरिंग ग्रेडियंट लाइन सब के अबाउट देखिएगा। यूनिट सिक्स आता है फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स, जी हाँ, चैनल्स के द्वारा जो होता है कोई लिक्विड या कोई फ्लूड जो है पास करता है, वो किस तरीका से पास करनी चाहिए, उसमें क्या क्या प्रोडीज होता है, उसके बारे में डीपली रूप से देखिएगा इस यूनिट के अंतर्गत। यूनिट सेवन है फ्लो मेजरिंग डिवाइस, ओपन चैनल्स के वेलोसिटी किस तरीका से हम फाइंड करेंगे, उसके बारे में देखिएगा। ये लास्ट यूनिट आप लोग का हाइड्रोलिक मशीन, जिसमें आपको पंप्स, टर्बाइंस, ईटीसी अबाउट पढ़ने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यही आप लोग का बिहार पॉलिटेक्निक फोर्थ सेम सिविल ब्रांच का सिलेबस था। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। ओके, धन्यवाद।